हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदा, यू आर वाचिंग माय चैनल अदर रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास हिताची का स्प्लिट एसी है या हिताची का इन्वर्टर एसी है और वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है, आपने उसमें उसको सर्विस भी कराया है लेकिन प्रॉपर कूलिंग नहीं आ पा रही है, रूम में एयर कटिंग का साउंड आ रहा है और आपने हाल ही में उसमें गैस भी चार्ज कराया है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका रूम बहुत जल्दी एसी कूलिंग नहीं कर पा रहा है, जैसा आपने नया एसी परचेज किया था तो मान के चलिए आप 15 से 20 मिनट में आपका जो रूम है वो चिल हो जाता था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी टाइम लग रहा है आपको, एक डेढ़ घंटा लग जा रहा है और आपका रूम चिल नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप कस्टमर हैं तो अगर आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो इस टाइप से आप पंप डाउन सर्विस करा सकते हैं अपने एसी को। पंप डाउन एसी सर्विस कराने से फायदा है कि ये होता है कि आपका एसी बिल्कुल नया जैसा वर्क करेगा, उसमें पावर कंजप्शन भी बहुत कम होगा और मान के चलिए 24-25-26 टेम्परेचर में आपको ठंड महसूस होगी। और अगर आप नए टेक्नीशियन हैं और आपने एसी को सर्विस कर दिया है और उसके बाद भी परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही, तो आप ये पंप डाउन सर्विस करा सकते हैं। पंप डाउन सर्विस करवाने के मतलब करने के बाद आपका एसी जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। और पंप डाउन सर्विस आप कैसे कर सकते हैं वो पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी मिलेगी आपको। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अदर रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजर रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हिताची का एसी अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पा रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है कूलिंग होने में, तो आप इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने एसी को ठीक कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरी बारीक से बारीक जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एसी की गैस को लॉक करें। गैस लॉक होने पर आपके एसी में गैस की दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको गैस लॉक करने का प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले एसी को ऑन करें और आउटडोर यूनिट ऑन होने के बाद डिस्चार्ज पाइप पतले पाइप के वॉल्व को 4 नंबर अलेन की टूल्स से पूरा बंद करें। दो मिनट तक एसी को ऑन रहने दे। उसके बाद आप सक्शन पाइप मोटे पाइप को अलेंकी टूल्स से पूरा बंद करें। उसके बाद आप एसी को मेन स्विच से बंद कर दे। उसके बाद इंडोर यूनिट के पीछे के होल को खोल ले। गैस लॉक होने के बाद आप इंडोर यूनिट के पीछे के होल को खोल ले और इंडोर यूनिट के पाइप को स्लाई रेंज टूल्स की मदद से खोल दे ताकि इंडोर यूनिट अंदर उतरने में कोई दिक्कत न हो। अब आप इंडोर यूनिट को नीचे उतार ले। अब हम इसके पूरे पार्ट्स को अलग अलग करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद स्विंग फ्लैप को हल्के हाथों से बाहर निकालते हैं। अब इसके नीचे के तीनों स्क्रू को खोलते हैं। अब इसके फ्रंट कवर को खोल के इसके फिल्टर नेट को बाहर निकालते हैं। अब इसके ऊपर के दोनों स्क्रू को भी खोल के बाहर निकालते हैं। अब कवर को नीचे से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाकर कवर को बाहर निकालते हैं। एसी ड्रेन असेंबली के दोनों स्क्रू को भी खोलते हैं।
ड्रेन असेंबली के स्विंग मोटर के स्क्रू खोल के और अंदर के दोनों स्विंग मोटर को खोल के ड्रेन असेंबली को अलग कर लेते हैं। प्लास्टिक लॉक को हटा के ड्रेन असेंबली को बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान रहे, यह बहुत नाजुक होता है। ड्रेन असेंबली के स्विंग मोटर के स्क्रू खोल के और अंदर के दोनों स्विंग मोटर को खोल के ड्रेन असेंबली को अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एसी में काफी ज्यादा डस्ट भरा है। एसी में जो एयर थ्रो कम होता है और हवा कम आती है और एयर कटिंग का साउंड आता है, तो आप एसी को इसी तरह साफ करें। यकीन मानिए, आपका एसी नए जैसा काम करेगा और बिजली बिल भी बहुत कम हो जाएगा। एयर थ्रो भी काफी बढ़ जाएगा। कचरा बहुत अंदर तक फंसा हुआ है। ये कचरा जेट पंप के प्रेशर से ही निकलेगा। इंडोर यूनिट से पीसीबी को खोलकर अलग करते हैं। पीसीबी से फैन मोटर के वायर को निकाल लेते हैं, जिससे पीसीबी आसानी से बाहर आ जाएगी। फैन मोटर के ऊपर लगे कवर के स्क्रू को भी खोल लेते हैं। कूलिंग कॉइल के एक साइड के स्क्रू को खोलते हैं। कूलिंग कॉइल के ऊपर वाले पट्टी के स्क्रू को भी खोलते हैं। कूलिंग कॉइल के पीछे स्क्रू के छोटे कवर को भी निकाल लेते हैं। उसके बाद कूलिंग कॉइल और ब्लोअर और फैन मोटर को अलग अलग कर दे, यह बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इसके सारे खुले हुए पार्ट्स। सबसे पहले कूलिंग कॉइल को धोना शुरू करते हैं। ध्यान दे, कूलिंग कॉइल के खुले हुए पाइप में अच्छे से टेप लगा ले ताकि उसमें पानी न जाए। ध्यान दे कि जेट पंप में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा प्रेशर कूलिंग कॉइल को डैमेज कर सकता है। प्रेशर को कम करके साफ करें। जल्दबाजी में काम नहीं करें, आराम से करें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि एसी साफ हो गया है, तभी आप दूसरे पार्ट्स को धोएं। कूलिंग कॉइल इंडोर यूनिट के लिए बहुत ही खास पार्ट्स है, तो इसे पूरा कचरा निकलने तक साफ करते रहे। एसी में जो एयर थ्रो कम होता है और हवा कम आती है और एयर कटिंग का साउंड आता है, तो आप एसी को इसी तरह साफ करें। यकीन मानिए, आपका एसी नए जैसा काम करेगा और बिजली बिल भी बहुत कम हो जाएगा। एयर थ्रो भी काफी बढ़ जाएगा। कचरा बहुत अंदर तक फंसा हुआ है। ये कचरा जेट पंप के प्रेशर से ही निकलेगा। अब जेट पंप की मदद से सर्फ पानी से कूलिंग कॉइल को साफ करते हैं।
सर्फ पानी को निकालने के लिए साफ पानी से कूलिंग कॉइल को भी साफ करते हैं। सर्फ से धोने से खुशबू आने लगती है और एसी चलने में फ्रेश लगता है। आप देख सकते हैं ब्लोअर में बहुत ज्यादा कचरा और डस्ट भरा हुआ है। इसको प्रेशर से साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना प्रेशर के प्रॉपर साफ नहीं होता है। ब्लोअर को भी सर्फ पानी से धो लेते हैं। ब्लोअर में जो थोड़े बहुत कचरे जमा होंगे वह सर्फ पानी से निकल जाएंगे। अब ब्लोअर को साफ पानी से धोकर अलग रख देते हैं। अब एसी के मेन कवर को भी जेट पंप के प्रेशर से धो लेते हैं। जेट पंप का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिससे कवर को रगड़ने की जरूरत नहीं होती है और कवर आसानी से साफ हो जाता है। अब मेन कवर और सारे पार्ट्स को भी सर्फ पानी से धोकर थोड़ा रगड़ ले। थोड़े बहुत जो कचरे हैं वह अच्छे से साफ हो जाएंगे। एसी के सभी पार्ट्स को धोने के बाद आप उसके सभी पार्ट्स को थोड़ा सूखा ले, फिर कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ ले। सभी पार्ट्स पोंछने के बाद आप एसी के इंडोर यूनिट को फिट करना शुरू करें। सबसे पहले आप एसी के फैन मोटर को लगाएं। उसके बाद आप ब्लोअर को फैन मोटर में लगाकर और ब्लोअर में रबर बुश लगाकर टाइट कर दे। उसके बाद आप कूलिंग कॉइल को भी लगा दे। उसके बाद आप फैन मोटर के ऊपर के कवर को भी लगाकर स्क्रू को टाइट कर दे। कूलिंग कॉइल के सभी स्क्रू को भी लगाकर टाइट कर दे। उसके बाद पीसीबी और फैन मोटर के वायर को लगाकर स्क्रू से पीसीबी को स्क्रू से टाइट कर देते हैं।
पीछे के छोटे कवर को भी लगा देते हैं और छोटे कवर के ऊपर की पट्टी के स्क्रू को भी लगा देते हैं। ड्रेन असेंबली और उसके सभी स्विंग मोटर को लगाकर टाइट कर देते हैं। अब ड्रेन असेंबली को भी लगाकर स्क्रू को टाइट कर देते हैं। फ्रंट कवर के ऊपर के लॉक को बैठाकर अच्छे से सेट कर देते हैं। और इसके सभी स्क्रू को भी लगा देते हैं। अब इसके स्विंग फ्लैप को भी लगा देते हैं। ध्यान रहे, स्विंग फ्लैप बहुत कमजोर होती है, हल्के हाथ से निकाले और लगाए। और इसके फिल्टर नेट को भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, यह था पंप डाउन सर्विस। इसमें आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, गैस लॉक हो जाती है और गैस का खर्च भी नहीं आएगा और आपका एसी बिल्कुल नए जैसा काम करने लगेगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई हो। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें।